हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, बच्चों क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं। चैप्टर है आपका ट्राइंगल्स यानी त्रिभुज। इस चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। देखिए, दो थ्योरम्स हमने की हैं, कौन सी बीपीटी और उसकी कन्वर्स, ठीक है। उसके आधार पे काफी सारे क्वेश्चन भी हमने किया है। फिर उसके बाद तीसरी थ्योरम जो 6.3 है, वो भी हमने प्रीवियस सेशन में यहाँ पे कवर कर ली है। थ्योरम 6.3, इसमें क्या बोला गया है, देखिए यहाँ पे सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया डिस्कस कर रहे हैं हम। और इन क्राइटेरिया में यहाँ पे कुछ ऐसे बोला गया है कि अगर दो ट्रायंगल हैं, ठीक है, और दोनों ट्रायंगल्स के दोनों त्रिभुज के कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल है, मतलब सेम है, ठीक है, ये कोण अगर सेम होंगे तो भाई एंगल 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 क्राइटेरिया से ये दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर होंगे, समरूप होंगे। और अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, समरूप हैं, तो फिर इनकी कोरस्पोंडिंग जो साइड्स होंगी उनका अनुपात समान होगा, सेम होगा अनुपात, इक्वल होगा, ठीक है। ये चीज हमने यहाँ से सीखी है, यही इसमें लिखा हुआ है। प्रीवियस सेशन में हमने इसको डिटेल में डिस्कस भी किया था, एक बार रिवाइज कर लीजिए। कोई डाउट अगर आ रहा है इसमें तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज इसको जिसने नोट डाउन नहीं भी किया है वो अभी नोट डाउन कर लो। दो थ्योरम्स और भी हैं, दो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया और भी हैं जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, तो पहले इसको अच्छे से आप डिस्कस कर लो, क्योंकि इसके आधार पे काफी सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे। तो बच्चों, ये सबने कर लिया है नोट डाउन और रिवाइज, तो अगला देखिए, नेक्स्ट क्राइटेरिया आपके सामने ये है। ये थ्योरम 6.4 भी है आपकी, ये है। क्या बोला गया है इसमें, इफ इन टू ट्राइंगल साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल, देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड हेंस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो देखिए, जो पिछली थ्योरम की थी इससे पहले वाली, ठीक उसके जैसी ही है, बस चीजें थोड़ी सफल कर दी गई हैं। इसमें क्या बोला गया है, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हैं, यानी एक ही अनुपात में है, तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो पिछले जो आपकी थ्योरम थी उसमें और इसमें क्या फर्क है, चलिए ये देख लेते हैं। ठीक है, ये दो ट्राइंगल्स हैं ए बी सी पी क्यू आर, और कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जो प्रीवियस आपका क्वेश्चन था, प्रीवियस आपकी थ्योरम थी, उसमें ये बोला गया था कि इनके जो एंगल्स हैं, कोण हैं, करस्पोंडिंग एंगल्स हैं, वो इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अगर वो इक्वल होंगे तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे एंगल 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 क्राइटेरिया से, ठीक है। और अगर ये सिमिलर हो गए तो इनकी करस्पोंडिंग साइड्स भी सेम रेशियो में होंगी, समान अनुपात में होंगी। यहाँ पे चीजें थोड़ी ही अलग बोली गई, यहाँ पे बोला गया है कि अगर इनकी करस्पोंडिंग साइड्स समान अनुपात में हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, ठीक है। तो पिछली जो थ्योरम थी उसमें ये चीज, जो करस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो सेम आ रहा था, वो सिमिलर ट्रायंगल होने के बाद आ रही थी, लेकिन अब क्या है, हम साइड्स का यूज करके, साइड के रेशियो का यूज करके हम इन ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इफ ए बी बटे पी क्यू बराबर है बी सी बटे क्यू आर के, और ये बराबर है ए सी बटे पी आर के, अगर इनका जो अनुपात है, ठीक है, इनकी साइड्स का, वो समान है, सेम है, ये इक्वल है, तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के।
ये साइन यूज करते हैं हम, ठीक है। और यहां पे हम करेंगे साइड 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 सिमिलैरिटी, ठीक है। कौन सी? साइड 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 कसौटी का हम इस्तेमाल करके इन दोनों को सिमिलर बोल सकते हैं। ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? अब सिमिलर हैं। और अगर ये सिमिलर हैं तो इनके जो कोरस्पोंडिंग एंगल्स है ना, एंगल ए वो इक्वल होगा एंगल पी के, एंगल बी इक्वल होना चाहिए एंगल क्यू के, एंगल सी इक्वल होना चाहिए एंगल आर के, ठीक है। ये चीज यहां से आ जाएगी फिर हमारे पास, नोट डाउन कर लेंगे बच्चों इसको। तो बच्चों ये कर लिया है सबने नोट डाउन। एक और थ्योरम हम कर लेंगे अभी, ये है 6.5। इसको भी सब नोट। इसको भी सब नोट डाउन कर लेंगे। तो यहां पे बोला गया है इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये चीज समझने की कोशिश करते हैं यहां। ए बी सी, ठीक है, और पी क्यू आर, ये हैं दो ट्रायंगल्स। और इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर कब होना चाहिए? एक और सिमिलैरिटी क्राइटेरिया है, अगर मान लीजिए ये एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है। बाकी दो एंगल्स का नहीं पता, मुझे एंगल बी और एंगल क्यू का पता है कि ये बराबर है, ठीक है। इफ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, अगर एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है और भाई दो साइड्स, कोई भी दो साइड्स नहीं होंगी, वो होंगी ए बी बटे पी क्यू बराबर है BC बटे QR। भाई वो साइड्स जो ये एंगल को इंक्लूड करें, ठीक है, वो कौन सी होगी? एक तो ये और एक ये, ठीक है। सेम चीज यहां पे, एक ये और एक ये, ये दो साइड्स का अगर अनुपात भी समान हो तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये ट्रायंगल सिमिलर होंगे। कौन सा क्राइटेरिया आ गया? बाय साइड एंगल साइड, ठीक है, बाय साइड एंगल साइड, ठीक है। इस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे, ठीक है। तो ये ट्रायंगल्स जब सिमिलर हो जाएंगे तो वही इनके करस्पोंडिंग एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए और इनकी सभी साइड्स करस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो भी सेम होना चाहिए, फिर हम बोल सकते हैं। पहले इनको सिमिलर प्रूव होना है, तो एक कंडीशन ये भी होती है साइड एंगल साइड, अगर दोनों साइड, ठीक है, कौन सा जो एंगल को इंक्लूड करें उनका अनुपात भी समान है और वो एंगल भी सेम है एक एंगल, तो हम बोल सकते हैं कि दोनों जो त्रिभुज है वो सिमिलर है। नोट डाउन कर लेंगे इसको। तो ठीक है बच्चों, ये थ्योरम हमारी हो गई है, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आप नोट डाउन करेंगे, क्या बोला गया है, स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स, पहले मैं पेयर ऑफ ट्रायंगल्स बना लेता हूं, ठीक है।
ये है साइड, ये दो दो और दो दशमलव पांच, ये है छह पांच और चार, ये इनकी लेंथ होगी साइड्स की। अब देखिए यहाँ पे बोला गया स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर आर सिमिलर। तो यहाँ पे अभी एक पेयर है तो आप बोल सकते हैं कि आपको बताना है कि ये सिमिलर है या नहीं है। राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड ऑल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इन सिम्बॉलिक फॉर्म। सिम्बॉलिक फॉर्म मतलब अगर ये सिमिलर है तो ऐसे करके बीच में सिंबल आता सिमिलैरिटी का, सिम्बॉलिक फॉर्म में भी लिखना है और बताना है कि क्यों सिमिलर हैं, कौन से क्राइटेरिया से हैं। तो यही चीज है, ये क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़िए और इसको बताइए कि ये कौन से क्राइटेरिया से सिमिलर हो सकता है, अगर सिमिलर है तो नोट डाउन करके सॉल्व कीजिए। तो बच्चों इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए साइड्स दी गई हैं तो उन्हीं का रेशियो निकाल के देख सकते हैं हम। तो आप ए बी बटे क्यू आर का रेशियो निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है। ए बी बटे क्यू आर क्या होना चाहिए, ए बी है दो और क्यू आर है चार, कैंसल आउट कीजिए, ये एक बटे दो आ गया, ठीक है। इसके बाद कोई दूसरी साइड ले लीजिए, बी सी बटे पी आर, बी सी कितना है दो दशमलव पांच और पी आर है पांच, कैंसल आउट करेंगे तो एक बटे दो आएगा ये। फिर तीसरी साइड लीजिए, कौन सी है तीसरी साइड, यहाँ पे आपको थोड़ा सा करेक्शन इसमें करना पड़ेगा और ये आप लिख देंगे थ्री, अगर थ्री नहीं लिखी तो फिर ये सिमिलर नहीं हो पाएंगे, है ना। तो ए सी बटे पी क्यू ये कितना है तीन बटे छ, है ना, एक दो, तो एक बटे दो, ये एक बटे दो आ गई सारी। अगर यहाँ पे दो था तो ये सिमिलर नहीं होगा, ऐसा लिखना था आपने, ठीक है। अगर जिसने दो की हेल्प से सॉल्व किया है यहाँ पे वो क्या लिखेगा कि ये सिमिलर नहीं है, क्योंकि साइड साइड कोई क्राइटेरिया नहीं होता, तीनों साइड का रेशियो सेम होना पड़ेगा। लेकिन अगर तीन से हम कर रहे हैं तो देखिए तीनों साइड का रेशियो एक बटे दो आ गया, तो आप लिख सकते हैं बिकॉज ए बी बटे क्यू आर बराबर है बी सी बटे पी आर बराबर है ए सी बटे पी क्यू, ये अगर बराबर है तो आप बोल सकते हैं देयर फोर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। साइड 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 सिमिलैरिटी से ये सिमिलर हो जाएंगे, नोट डाउन कर लेंगे बच्चों इसको। ठीक है बच्चों सबने कर लिया है नोट डाउन, तो एक क्वेश्चन और हम करेंगे यहाँ पे। एक पेयर ऑफ ट्रायंगल्स मैं बना देता हूं, वो बताना है सिमिलर है या नहीं। ये हैं बच्चों दो ट्रायंगल्स, ठीक है। अब इनको चेक करना है ये सिमिलर हैं या नहीं, तो नोट डाउन करके चेक कीजिए जल्दी से। तो बच्चों ये क्वेश्चन जब आपने चेक किया होगा, देखिए देखते ही वैसे तो पता लग जाता है ना, लग जा रहा होगा आपको कि इसकी जो साइड्स हैं उनका रेशियो सेम नहीं है। दो साइड का रेशियो तो सेम दिख रहा है मुझे, किस किस का, देखिए LP बटे अगर हम करते हैं DF, है ना। अगर सबसे पहले आपने LP बटे DF किया होगा कितना है तीन बटे छह यानी एक बटे दो,
और अगर आपने किया होगा एम पी बटे डी ई, तो ये भी कितना आया होगा, 2/4 यानी 1/2। देखिए इनका रेशियो तो सेम आ रहा है, लेकिन जो तीसरी साइड है, तीसरी साइड कौन सी है, एल एम बटे ई एफ, ये नहीं आ रहा, 2.7 है यहाँ पे और ये 5 है। अगर 2.5 होता तो ये रेशियो सेम आ जाता, तब ये ट्रायंगल सिमिलर होते, लेकिन इस केस में नहीं है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे दे आर नॉट सिमिलर, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है स्टूडेंट, सबने नोट डाउन कर लिया है, तो बस इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। तो इसमें और भी काफी सारे हम ट्रायंगल्स लेके, पेयर ऑफ ट्रायंगल्स लेके चेक करेंगे, और दूसरे क्राइटेरिया को भी हम देखेंगे कि कैसे वो क्राइटेरिया अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है, सिमिलैरिटी के। तो इस तरह से आप अच्छे से उसको रिवाइज कर पाएंगे अपनी थ्योरम्स। बस अभी आपको जो थ्योरम हमने किया है उसको रिवाइज करने की जरूरत है। इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।